हेलो एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 1 दैट इज इंटीजर्स में ट्राई दिस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि पेज नंबर 16 पे गिवन है। ये जो एनसीईआरटी ने अभी अपना सिलेबस रिवाइज किया है, मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है इज 1 डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड इज ए डिवाइड बाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ए फॉर एनी इंटीजर ए। ए कोई इंटीजर है, टेक डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए एंड चेक। आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ए की लेकर चेक करना है कि क्या ये जो दो स्टेटमेंट लिखा है ये करेक्ट है। और ए क्या है? एक इंटीजर है। इंटीजर का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव नंबर भी हो सकता है। तो चलिए, वन को ए से डिवाइड किया जा रहा है तो क्या वन आएगा? वन को जब आप ए से डिवाइड करोगे तो क्या यहाँ पे क्वेश्चन में वन आएगा, यही फाइंड आउट करना है। सपोज हमने ए की वैल्यू टू ले ली, तो वन को जब आप टू से डिवाइड करोगे तो देखिए क्या यहाँ पे वन आ रहा है। पॉइंट लगाइए, जीरो बढ़ाइए, टू फाइव जा टेन, तो यहाँ तो वन नहीं आ रहा है, यहाँ तो 0.5 आ रहा है। तो ये जो लिखा है ये तो गलत हो गया। अब ए की वैल्यू कुछ और ले लीजिए, फोर ले लीजिए सपोज, ओके। तो यहाँ पे वन को जब आप फोर से डिवाइड करोगे तो देखते हैं क्या यहाँ वन आता है, कुछ और आता है। पॉइंट लगाइए, जीरो बढ़ाइए, तो फोर टू जा एट, टू आएगा, फिर एक जीरो बढ़ेगा, फोर फाइव जा ट्वेंटी। तो यहाँ पे तो 0.25 आ रहा है, यहाँ पे 1 तो आ नहीं रहा है, यहाँ पे 0.5 आ रहा था, 1 तो आ नहीं रहा है। इसका मतलब ये जो लिखा है ये बिल्कुल गलत लिखा है। तो आप क्या लिखेंगे? 1 डिवाइड बाई ए इज नॉट इक्वल टू 1, या फिर आप इसको नो लिख देंगे। यहाँ पे पूछा है ना कि इज 1 डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू 1, तो आप क्या लिखेंगे? नो, दिस इज रॉन्ग। या फिर आप ये वाला स्टेटमेंट लिख देना कि 1 डिवाइड बाई ए इज नॉट इक्वल टू 1। अब भी पार्ट, सेकेंड पार्ट देखते हैं। ए डिवाइड बाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ए। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, ए को जब आप डिवाइड कर रहे हो माइनस 1 से तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? माइनस ए। अगर हम ए की पॉजिटिव वैल्यू लें, क्या लें? ए की पॉजिटिव वैल्यू। सपोज मैंने ए को 2 ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन माइनस 1। तो हमने बताया कि ये जो माइनस 1 है ये ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। तो हमने जब ए की वैल्यू 2 ली तो हमको आंसर में माइनस ए मिल रहा है। ये देखिए माइनस का ए मिल रहा है, इसकी वैल्यू माइनस 2 के ही बराबर है। मीन्स जब हमने ए को पॉजिटिव लिया, ए की वैल्यू 2 ली, तो हमें माइनस का 2 मिल गया। यहाँ तो ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है। बट अगर हम ए की वैल्यू को निगेटिव ले ले, माइनस का 2 ले ले, तो ऊपर में माइनस 2 हो जाएगा और नीचे माइनस 1 है, तो माइनस से माइनस कट के क्या आ जाएगा? पॉजिटिव 2 आ जाएगा। और जबकि यहाँ पे माइनस का ए आना था, लेकिन हमारे पास तो प्लस का ए आ रहा है। देखिए हमने माइनस का ए लिया, मतलब हमने ए की वैल्यू निगेटिव ली। इंटीजर है ना, ए तो एक इंटीजर है, ए की वैल्यू हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, निगेटिव भी ले सकते हैं। तो ए की वैल्यू जब हम निगेटिव ले रहे हैं माइनस का 2, तब तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट होके आंसर प्लस का ये दे रहा है, जबकि आना माइनस का ही चाहिए। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग लिखा है, दिस इज रॉन्ग। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे आप लिखोगे ए डिवाइड बाई माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू माइनस ए। हर इंटीजर के लिए ऐसा नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए करेक्ट था, बट निगेटिव इंटीजर के लिए नहीं करेक्ट है। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।